हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग का एग्जाम सिर्फ 3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का कर ही ले रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीजीएल का पूरा डिस्कस कर चुके हैं 2022 का। 2021 में जाने से पहले आप लोग को करा दूंगा एक दिन में बस। इससे पहले हम सीएचएसएल का कर ले रहे हैं। सीएचएसएल 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी 12 से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 14th of March का 4 से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पे आप टेक्स्ट करना, कोई भी आपको जरूरत हो किसी चीज का तो करना इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 14th of March का। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट प्लेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022। ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं हुआ था, अभी ओलंपिक्स में क्रिकेट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बर्मिंगम के कॉमनवेल्थ गेम में वो भी वुमेन का T20 क्रिकेट स्टार्ट हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। हुई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन आसाम? आसाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन है? बीहू। बीहू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मजूली आइलैंड एक रिवर इन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे अरुणाचल प्रदेश में। इसको अब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिल चुका है, डिस्ट्रिक्ट का। Which law is known as law of inertia? ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? डिजिटल इंडिया वीक 2022 का थीम क्या था? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया ट्रैकेड। अगला क्वेश्चन है, बाई हुच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू मिसेबल, मतलब ऐसे लिक्विड जो दोनों आपस में मिक्स कर रहे थे उन दोनों को कैसे आप अलग करोगे? तरीका डिस्टिलेशन का। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर और वाइन, एल्कोहल, इन दोनों का बॉयलिंग पॉइंट तो अलग होगा ना, तो आप दोनों को बॉयल करो तो पहले एल्कोहल बॉयल्ड होके गैस में उड़ जाएगा, ठीक है? अब इस गैस को एक जगह इकट्ठा करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, यहाँ नीचे क्या बच जाएगा? बाकी पानी बच जाएगा। जब तक पूरा एल्कोहल उड़ेगा नहीं ना, तब तक पानी शुरू नहीं हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। बाई हुच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन का मतलब सीधा सॉलिड से गैस बना दो, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा चीज मिला हुआ है, नेफ्थलीन को शुद्ध करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है टू एड अ न्यू ब्लैंक साइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन? न्यू ब्लैंक साइड करना है अपने एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में, ये है Ctrl+M, Ctrl+M। अगला है, डैश सर्व एज ए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क एज ऑल डाटा कम इन और गोइंग आउट अ नेटवर्क मस्ट पासिस थ्रू इन ऑर्डर टू इज द रूटिंग पाथ। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम गेटवे, नाम से पता है एग्जिट और एंट्री वाला है, ठीक है? ये करेंट अफेयर्स का हटा दो। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लायर प्लॉटेड टूगेदर इन अ ज्योग्राफिकल डायमेंशन, देन एट व्हिच पॉइंट इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड? इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे रीच होगा ये बताना आपको। इक्विलिब्रियम जब, देखो, जब डिमांड होगा वो जीरो हो जाएगा, नहीं ये नहीं, ये डिमांड, सॉरी, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फेज पे आ जाएगा। कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है ग्रासलैंड के हिसाब से? अर्जेंटीना पेम्पास, ब्राजील स्टेपी, इसमें से दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। ये देखो, अर्जेंटीना तो पम्पास मिलता है, स्टेपी एक्चुअली सेंट्रल इंडिया में मिलता है, सेंट्रल इंडिया मिलता है, सेंट्रल एशिया में, तो ये गलत है, ए करेक्ट है। व्हिच हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कूका मूवमेंट? कूका मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया? कूका मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया? ये सत्यगुरु राम सिंह, राम सिंह जी का नाम याद रखना। प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ, ये हम जापान से लिए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस देश से हमने अभी तक कोई कॉपी ही नहीं किया, तो ये था चाइना। क्वेश्चन पूछ रहा है, घूमर जो घूमर डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? राजस्थान से। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि निगेटिव रिलेशंस किस किस के बीच है? डिमांड और प्राइस के बीच है, कि जितना ज्यादा डिमांड होगा, जितना ज्यादा डिमांड होगा मतलब उसका प्राइस कम होगा तब ज्यादा डिमांड होगा। प्राइस अगर आप बढ़ा दोगे डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है थर्ड। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द सेवन सिंस ऑफ बींग अ मदर?
सेवन सेंस ऑफ बींग ए मदर, एक इस बुक के राइटर कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना। हुज आर द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉयल? हुज आर द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन? कितना ज़्यादा सॉयल एक्यूमुलेट होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके रिलीफ पे। भाई अगर ऐसा है तो यहाँ पे कहाँ से एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा ना। शेर खान ने हुमायूं को डिफीट किया था, दो लड़ाई में हराया था, एक बेलग्राम में और कन्नौज में, तो और उसके बाद चौसा में भी हराया था। तो कन्नौज में कहाँ पे हराया था, कन्नौज में कब हराया था? कन्नौज में 1540 को। वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज? ईस्ट कोस्ट, जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है वो कहाँ से किस किस से किस और किस किस जगह के बीच लाई करता है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच लाई करता है, ठीक है ना। ये ईस्टर्न घाट है यानी पहाड़, इधर थोड़ा प्लेन है और इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। अगला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेडल वोन बाय, ये नहीं याद करो। कवच जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, कवच जो सिस्टम है इंडियन रेलवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इधर से आएगा इधर से आएगा दोनों ट्रेन बीच से रुक जाएगा। हुइच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आता है, DPSP पार्ट 4 में आता है। हु इज द फर्स्ट एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द फेंसिंग? फेंसिंग में कौन है? भवानी देवी। ये गोल्फ में, गोल्फ में याद रखिए गोल्फ। हुइच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज, डिजीज ड्यूरेशन, एक्यूट डिजीज लॉन्ग ड्यूरेशन, क्रोनिक डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताने है? दोनों उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन क्या है, हुइच विलेज ऑफ द गुजरात वॉज डिक्लेयर एज द फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज? ये मोधेरा है, एक टेम्पल भी है वहाँ पे, मोधेरा टेम्पल। अगला हम सेट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, सुरेश एन पटेल को चीफ ऑर्गेनाइज नियुक्त किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन का? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें से कौन सा टर्म स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? बैटिंग, क्रिकेट, कौन सा पेयर नहीं सही है, कौन सा पेयर सही नहीं है उसके बारे में बताइए। तो यानी ये भी सही, गोल, नेटवर्ल, ये भी सही है, यानी ना दोनों में से कोई भी ऐसा है जो गलत नहीं है। नहीं, इन ह्यूमन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लार्क स्टार्च, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, अभी मैंने वीडियो बनाए हैं, ये जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ये बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हु एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड एज ए निरंकार? पंजाब में भक्ति से सेंट देखे ना, तो उसमें से निरंकार यानी किसने बोला कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है, इसके बारे में किसने बोलना शुरू किया? बाबा दयाल सिंह ने, बाबा दयाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, एट द प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन वाटर टेबल, इसको क्या बोलते हैं? हार्ड रॉक और वाटर टेबल के बीच में जो ग्राउंड वाटर स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्वीफायर। डैश इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इसमें कौन है? इंद्रवती, इंद्रवती। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। करेंट अफेयर्स है, हटा सकते हो। यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल, मतलब रिपीट करना है लास्ट पॉसिबल कमांड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर से रिपीट करना है, रिपीट करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, पीछे जाना है कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी शिफ्ट प्लस वाई, सिर्फ रिपीट करना है। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है फॉरवर्ड, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब बैकवर्ड, नहीं हम पीछे चलते हैं यार, गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट कोल के बारे में सही नहीं है? सही, कोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एक बार 8 का देख लेते फिर से क्या है। हुज आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड ऑफ ऑक्शन? ये एक्चुअली कंट्रोल प्लस वाई ही होगा, कंट्रोल प्लस वाई, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए करेक्ट है ए। अगला क्वेश्चन है, कोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कोयला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कोल दैट हैज बीन ब्यूरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोयल,
और एंथ्रेसाइड ये सबसे अच्छा कॉइल है, लिग्नाइट सबसे, ये इसको थोड़ा सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंट्रोल का। मेटलॉजिकल कॉइल आर हाई ग्रेड लिग्नाइट कॉइल व्हिच इज स्पेशल वैल्यू ऑफ स्मेल्टिंग। नहीं, इसका यूज ही नहीं किया जाता है, तो बी है। और ये हाई ग्रेड कहाँ से हो गया? 2032 का जो ओलंपिक गेम्स, 2032 का ओलंपिक गेम कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन में होने वाला है, ब्रिस्बेन में। खेरा में जो गुजरात में पाटीदार प्रेजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड। ब्रिटिश के कौन डिमांड के लिए खेरा में मूवमेंट हुआ था? ये हुआ था हाई लैंड रेवेन्यू के लिए। व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज अ सी नेम, व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज इंडिया हैज अ सी नेम्ड आफ्टर इट, मतलब हैज अ सी, मतलब कौन से यूनियन टेरिटरी के नाम पे सी भी आता है? तो हमें पता ना, एक अंडमान सी होता है, अंडमान सी, अंडमान और निकोबार के राइट हैंड साइड में जो सी है ना, उसका नाम है। हुई ज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिगार्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली यूज टू प्रोमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। क्या ये बैकवर्ड रीजन में बात करता है? हाँ, क्योंकि ऐसे रीजन में अगर इंडस्ट्री खोलोगे ना, तो सरकार आपको ज़्यादा फायदा, इंसेंटिव देगी। अगला क्वेश्चन क्या है? हुई ज़्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में जो होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत है, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में। और साइज इसका 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स और ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। ये करेंट अफेयर्स जा सकते हो। काउंसिल ऑफ स्टेट का कंपोजिशन ये किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 80, और इसको है पार्ट किस में है? पार्ट 4, सॉरी किस शेड्यूल में है ये? शेड्यूल 4, पार्ट 4 में तो DPSP है, ये भी करंट अफेयर्स है। PM वानी ये वाईफाई से रिलेटेड है। हु बिल्ट द पत्थर की मस्जिद इन पटना विहार, पत्थर की मस्जिद किसने बनाया था? ये बनाया था परवेज शाह ने, परवेज शाह, ये याद कर, तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम में। हुज आर द फॉलोइंग सीजन इन इंडिया इज नोन एज ट्रांजिशन सीजन, ट्रांजिशन सीजन किस सीजन को बोलते हैं? सो गोल्ड सो सॉरी कोल्ड एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, या हॉट वेदर सीजन, इसमें से ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एक्चुअली जब मानसून रिट्रीट होती रहती है, बाहर जाती रहती है, तब बोलते हैं। रिशु वॉन्ट्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर एंड प्रेसिंग की, व्हिच इनपुट डिवाइस, की को प्रेस करने के लिए और इनपुट डिवाइस का यूज कर रहा है, वो किसके कीबोर्ड की बात कर रहा है। कैलाश सत्यार्थी जी को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला? कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के फील्ड में, बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया था। टू जी सगा अनफोल्ड ये बुक किनके द्वारा लिखा गया? टू जी सगा अनफोल्ड ये लिखा गया है अंदी मुथु राजा के द्वारा, अंदी मुथु राजा। नाट्य शास्त्र जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ये कौन कंपाइल किया है? ये भारत मुनि ने कंपाइल किया है। कनकरेंट लिस्ट, इसमें से कौन सा कनकरेंट लिस्ट डज नॉट प्रोविजन रिलेट, कनकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, मतलब इसमें से कौन कनकरेंट लिस्ट में नहीं आता है ये बताना है आपको, कनकरेंट लिस्ट में कौन सा नहीं आता ये बताना है। 24 का है, देखो ये जो इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट है ये कनकरेंट में आता है। फॉरेस्ट कन पहले फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में आता है, कनकरेंट कर दे। इकोनॉमिक ये भी, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ये स्टेट लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 देन द डिमांड्स ऑफ गुड्स इज सेड टू बी, ये इनइलास्टिक बोलेंगे। अगर प्लास्टिसिटी प्लस प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड क्या होगा? 1 से कम हो गया, तो इसको डिमांड्स ऑफ गुड्स को क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते थर्ड सेट। थर्ड सेट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुआ है। इन डैश किस साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया ताकि बैन कर सके यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंच इन इंग्लैंड
इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट ये कौन से साल में ये एक्ट पास किया है? ये 1720 में, 1720 में। अगला है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कम्स अंडर हुई लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में आपको पता है लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। तो आपको बताना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस शेड्यूल के अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आरबीआई ऑफ इंडिया रेज अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कितना पैसा उसको चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए वो अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने चाह रहा है, तो ये 300 करोड़ चाहिए। उसके अलावा इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। देखो एक दो मिरर होता है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है, ये किस तरह का इमेज बनाती है? हमेशा ये बनाती है वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऊर्जा, वर्चुअल मतलब वर्चुअल, रियल नहीं बनाती। हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस स्टेट में महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है? ये है कर्नाटका। कर्नाटका। हु अमंग द फॉलोइंग चेस ग्रैंड मास्टर वॉन द 9th एडिशन ऑफ शिंक्वे फील्ड कप इन सितंबर 2022? हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो। ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है? ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है, किस टाइप से बना हुआ है ये आपको बताना है। ये एक्चुअली इंट्रूसिव है लेकिन इग्नियस रॉक है, इग्नियस। डैश वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। वाह, ये नहीं बचेगा बिल्कुल नहीं। नॉट ए कौन सा, इसमें क्लासिकल डांस नहीं है, जैसे भरतनाट्यम, मणिपुरी, ये सब क्लासिकल है। भांगड़ा क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है पंजाब का। एज पर एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद है कदमा डैम, उसके बाद है कदना डैम इन गुजरात विल्ड ओपर। कदना डैम जो कि गुजरात में है वो किस रिवर पर बना हुआ है? रिवर का नाम है माही रिवर। उसके अलावा ये अवार्ड आप याद नहीं रख सकते हो। देखो एकेडमी अवार्ड में आप एक्टर का बेस्ट मेजोरिटी याद रखना है, डायरेक्टर के बारे में भी नहीं पता। एक्टर ज़्यादा चांस है, एक्टर एक्ट्रेस भी कभी कभी पूछ लेता है। तो चौरानवेवा एकेडमी अवार्ड जो कि 2022 में मिला, ये किसको मिला हुआ है? ये मिला विल स्मिथ को। पांचवा असेंबली हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अक्टूबर 2022 में, ये किस जगह पे हुआ? जो सोलर अलायंस है ये हुआ न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है, कहाँ पे? गुरुग्राम में। कॉपी, कॉपी करने को किससे कहते हैं, कंट्रोल प्लस सी या अल्ट प्लस सी? ऑब्वियसली कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किन के द्वारा लिखा गया है? ये एंडी मैरी को के द्वारा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर हुई लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल? सीबीआई, ऑब्वियसली सेंट्रल लिस्ट होगा, नहीं यूनियन लिस्ट। तो 17 का 4 हो गया। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन को ये एक्सप्रेस करते हैं, क्यू का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट, ये है फंक्शन। एल का मतलब लेबर और सी का मतलब कैपिटल। ये बड़ा हुई ज्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हिच इज बेसिक इन नेचर। बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर। मेटल रिएक्ट टू एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये करेक्ट है कि मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर द लॉ पास्ट इन इंडिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। मतलब कौन से साल में एक कानून बना था ताकि जो कन्वर्जन है उसको आसान बना दिया गया, कन्वर्जन है उसको आसान बना दिया गया 1850 में। इन पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंट, तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आई आर जो होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, ये कौन सा है? ओम्स लॉ है। खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग, वेन वाज द खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स कौन सा क्रॉप होता है? जो रेनी वाला होता है, यानी रेनी, जो बारिश में होता है। बारिश में होगा तो उसको ठंडी के आसपास काटेंगे ना, जो बिल्कुल बारिश में होगा तो उसको कटिंग कटिंग कब करेंगे? कटिंग उसको सितंबर अक्टूबर में करेंगे, धान की कटाई। द वर्ल्ड बैंक, ये अपने याद रखना, सॉल्ट प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में अक्टूबर 2022 में, इसमें कितना पैसा दिया? ये 250, याद नहीं रखना। तबला माइस्ट्रो जो कि पंजाब घराने के है, उनको क्या बोला जाता है? अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन बी डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। लास्ट सेट इस वीडियो का डिस्कस कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन टाउन वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, अ डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट, किसमें? खादिर बेट में मिलता है और रन ऑफ कच्छ में मिलता है, और ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। क्या कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन पार्ट में डिवाइडेड है। किसको किस क्या नाम है इसका? इसका नाम है धोला वीरा। प्राइवेट इनकम के बारे में कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? देखो आप एक बार पढ़ लेना, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बेसिक है बिल्कुल, पढ़ लेना, ये है मतलब इकोनॉमी का बेसिक टर्म है बिल्कुल। डैश एंड नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द 81st एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस लखनऊ में हुआ, तो ये और कौन, ऑब्वियसली लखनऊ में है तो वहाँ के मुख्यमंत्री तो होंगे ही, तो योगी आदित्यनाथ। पार्ट 7 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ओमिट किया गया, पार्ट 7 जो था उसको ओमिट किया गया। अब क्वेश्चन है पार्ट 7 किससे रिलेटेड है, पार्ट 7 किससे रिलेटेड था? देखो पार्ट जो 7 है वो रिलेटेड था स्टेट इन पार्ट B, ऐसा कुछ स्टेट था तो ऐसे वो हटा दिया। मैग्नेटिक डिस्क, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क है? DVD, उसके बाद है विंचेस्टर, CDR और CDRW, और इसमें से कौन सा है, क्या है मैग्नेटिक डिस्क, कौन सा है मैग्नेटिक डिस्क? है विंचेस्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल ऑफ MS Excel, न्यू लाइन में करना है बट सेम सेल में करना है न्यू लाइन, तो ये कौन सा है? किया जाता है अल्ट प्लस इंटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है? फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? दिस सॉइल आर लोमी एंड सिल्टी एंड वैली साइड। ब्लैक सॉइल क्या होता है? पुअर इन फॉस्फेरिक कॉन्टेंट। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों के दोनों करेक्ट है, जो फॉरेस्ट सॉइल होगा लोमी होगा और जो सिल्टी होगा वो वैली साइड में होगा, ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस आपको नहीं मिलेगा। अगला है आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द गिवन स्टेट पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ पॉप, बेस्ट सेलिंग अमेरिकन सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, डांसर है, किनका नाम है ये? ये हम माइकल जैक्सन को बोलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5th of June 2023 का है, हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट कर रहा है? 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इंडिया। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, तो इट इज लाइट एबव द मेजोस्फेयर, नहीं स्ट्रेटो के ऊपर मेजो मिलता है, इसमें ओजोन लेयर आपको मिलेगा, इसका हाइट 50 किलोमीटर तक मिलेगा, ये इसमें क्लाउड नहीं मिलता, इसीलिए एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह इसी से होके जाती है। द टीम प्रो कबड्डी लीग जो सीजन 8 है उसके विनर का नाम क्या है? प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विनर का नाम दबंग दिल्ली के सी, बट ये नहीं याद करना, सबसे नया वाला याद करना। अगला क्या है, हुज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लेयर एंड स्पोर्ट्स करेक्ट? देखो अंशु मलिक ये बॉक्सिंग में है, अंशु मलिक ये क्या बॉक्सिंग में है? उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है एल्ब्रोस पॉले ट्रिपल जंप, ये तो करेक्ट है बट अंशुमन रेसलिंग में है, बॉक्सिंग में नहीं, बॉक्सिंग में निखत जरीन वगैरह है। अखाम लक्ष्मी देवी इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 2018 में। अखाम लक्ष्मी देवी किस डांस से रिलेटेड है? ये डांस से रिलेटेड है, मणिपुरी डांस।
Which of the following statement is correct regarding the feature of perfectly competitive market? Perfectly competitive market का जो फीचर है, कौन सा फीचर है perfectly competitive market का? ये दोनों फीचर है, द मार्केट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट मिलना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन ये शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, तो चार ऑप्शन है। और एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक एक करके पढ़ते अपने आप पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट इन द मोशन पॉजेज व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ये तो सही है। द एनर्जी पॉजेज बाई बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, जिसको पोटेंशियल mgh बोलते हैं, इसको हाफ mv² बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m राइज थ्रू द हाइट, mgh इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मास m, वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, v नहीं है, v² तो ये गलत है, ये तो mgh है, सही बात है, ये इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में ये लिखना चाहिए था बट गलत लिखा है। हुई जब द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होता है बताइए? नंबर ऑफ एटम होता है गिवन मास अपन मोलर मास गुने एवोगाड्रो नंबर, मास बटे मोलर मास गुने एवोगाड्रो नंबर। बिहाइंड द कॉर्निया देर इज अ डार्क मस्कुलर, कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है, कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आयरिस बोलते हैं। हुच अमंग द फॉलोइंग डांस इज फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू कर्नाटका, इसमें कौन सा डांस कर्नाटका से रिलेटेड नहीं है? तो रऊफ डांस एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, सुग्गी करगा हुतरी ये सब ये है। एलेवेंथ नेशनल सीड कांग्रेस, एलेवेंथ नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ। एलन मस्क जिनको एक अवार्ड मिला है स्टारमस फेस्टिवल, स्टीफन हॉकिंग्स मेडल फॉर साइंस कम्युनिकेशन, ये सीईओ किसके? टेस्ला के। तेईसवा क्या है, करेंट अफेयर्स हटा सकते हो। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट मतलब 2022 अक्टूबर तक इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। प्रेसिडेंसी में जो जवाहरलाल नेहरू 1929 के प्रेसिडेंसी में, तभी तो दिन हमारा 26 जनवरी चुना है। इंडिया वॉज अ डैश प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का इंडिया कैमा प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हमने फोर सेट डिस्कस कर लिया, अगला फोर सेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। 9582062485, थैंक यू।